नेक्स्ट चैप्टर योर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम से ही पता लग रहा है आपको, मतलब तीन डायमेंशंस। अब हम जैसे कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के अगर हमने उस पॉइंट को डिफाइन करना है, ठीक है, या हमने किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सो नाउ वी आर यूजिंग तीन डायमेंशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हमारे पास हमने जो पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया, पी एक पॉइंट होता था, है ना, उसके कोऑर्डिनेट होते थे एक्स वाई, ठीक है। और अगर दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, तो मतलब बोलने का ये है कि आपका जो पॉइंट पी है, अगर हमने इस पॉइंट पी को डिफाइन करना है, इसका पोजीशन को डिफाइन करना है, तब आप क्या यूज कर रहे थे, इन दोनों डायमेंशंस का यूज कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये आपका कोई पी पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, मतलब यहां पे आपकी जो तीसरी एक्सिस होती है जेड एक्सिस, वो भी यूज होगी अब इस पॉइंट को डिफाइन, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। अब ये जरूरी नहीं होता कि ये पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में ही होगा, ये पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट आपका इस प्लेन में भी हो सकता है, ये पॉइंट आपका यहां भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज योर एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है, ये पॉइंट आपका यहां भी हो सकता है, दैट इज योर वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है। सो आपने दिमाग में ऐसा रखना है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, मतलब यहां पे हम एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों जो हमारे एक्सेस हैं, हमारे जो डायमेंशन हैं, इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ कोऑर्डिनेट और ऑक्टेंट्स के बारे में, ठीक है। देखो क्या है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज योर एक्स वाई जेड, ओके, एंड दिस इज योर वैल्यू जेड, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है, जैसे ये जो चार्ट है ये लर्न कर लेना है कि जैसे आपके पास अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसमें क्या वैल्यू होता है, वाई क्या होता है, आपका जेड क्या होता है, इस तरीके से आपने पूरे 8 जो अपने ऑक्टेंट्स हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। अब पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। आपके पास क्वेश्चन है कि अगर, ठीक है, अगर अ पॉइंट लाए इन एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है, अ पॉइंट लाए इन एक्स एक्सिस आपने बताना है व्हाट इज इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। एक आपके पास कोई पॉइंट है, ये आपका पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब आपका पॉइंट, पहले भी हम कर रहे थे कि एक्स एक्सिस पे पीछे भी क्या था, फोकस है, वो आपका वहां पे वर्टिसेस है, वो कट करती थी, उस पॉइंट को हम वर्टिसेस बोलते थे। तो हम कैसे लेते थे, ए कोमा जीरो या फोकस में सी कोमा जीरो, ऐसे करके वैल्यूज ले रहे थे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में था उस ट्रेन पे, तो आप वाई की वैल्यू क्या ले रहे थे, जीरो ले रहे थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि अ पॉइंट लाइन एक्स एक्सिस, मीन्स दैट वो पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस में है, तो मतलब आपने क्या बताना है, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली जीरो होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो जीरो, ठीक है। अगर आपके पास सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन है कि अ पॉइंट लाइन इन वाई एक्सिस, व्हाट इज दिस एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करोगे, अ पॉइंट लाइन वाई एक्सिस, तो आपके पास आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, मतलब वाई में पॉइंट लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यूज बताने, तो वो जीरो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, सिर्फ आपने क्या करनी है, वैल्यू बता। और अगर आपके पास मान लो ऐसे करके भी दिया है, तो इससे भी स्पेसिफाई हो रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है, आपके तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्योंकि क्या है, जीरो है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि आपका पॉइंट y एक्सिस में है, तो हम बोल सकते हैं
कि y एंड जो आपका z कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, या आपको ऐसे करके होगा तो आपने बताना है कि पॉइंट कहाँ पे लाइ कर रहा है, तो जी पॉइंट लाइ कर रहा है y एक्सिस में, ठीक है। सो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन करना है, एंड ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब आप तीन डायमेंशन का भी यूज करेंगे, ठीक है। सो जो हमने प्रीवियस में कंसेप्ट पढ़े थे, फॉर्मूले पढ़े थे, अब वही फॉर्मूले आपके यहां पर चलेंगे थ्री डायमेंशन में। पीछे आपने क्या पढ़ा था, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले एंड ऑल पढ़े थे वो। सो फर्स्ट उसको बाद में करते हैं, पहले आपको मैं क्वेश्चन बताती हूँ ऑप्शंस के क्वेश्चन कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ऑक्टेंट्स, आपने बताना है नेम द ऑक्टेंट्स ओके। तो नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइ, ठीक है। पॉइंट आपके पास देखे रखा है जैसे 1, 2, 3, दूसरा आपके पास पॉइंट देखे रखा है 4, आपके पास है -2, 3, तीसरा पॉइंट आपके पास देखे रखा है 4, देन -2, देन -5। इसमें कुछ नहीं करना आपको, अगर ये चार्ट लर्न है ना ऑक्टेंट्स का, कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है फर्स्ट में क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे देखो आपका कहते हैं एक्स वाई जेड ऐसे करके होता है, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, तो ये वाला जो आपका है वो कौन सा ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, सो दिस लाई इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। सिमिलरली देखो अभी 4 तो पॉजिटिव है, मतलब x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है एंड z पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखेंगे x पॉजिटिव, y नेगेटिव एंड योर z इज अगेन पॉजिटिव, सो इट लाइज इन योर फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, x तो पॉजिटिव है लेकिन y और z दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है लेकिन y और z दोनों के हैं नेगेटिव है, तो ये आपका कौन सा है, 8th, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपली हम जो है इन क्वेश्चंस को करते हैं, सारा डिपेंड करता है योर चार्ट ऑफ ऑक्टेंट एंड कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो इसको हमेशा मतलब अपने दिमाग में रखना है इस ये काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक। अब चलते हैं हम अपने जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, यहाँ पर जो आपके फॉर्मूलेज एंड ऑल यूज होते हैं उनकी तरफ, ओके। तो फर्स्ट वन आपके पास आता है वही जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो रिवाइज करी थी, तो वही चीज यहाँ पे यूज होनी है, एज इट इज फॉर्मूलाज यूज होने हैं, बट एड हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या था, वही कि P और Q कोई दो पॉइंट है, सॉरी है ना, P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1, y1, z1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, y2, z2, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालते थे, क्या करते थे, क्या होता था, पी का इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या, x2 - x1 का स्क्वायर, यही था, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही बताया था मैंने कि क्या होता है, आप सिंपली क्या करते थे टू डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर,
आप उसी फॉर्मूले को यहां पे कंपेयर करो, क्योंकि यहां पे आपका z भी आ रहा है, तो यहां पे ऐड हो जाएगा आपका z2 minus z1 का स्क्वायर. सो दिस इज योर कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके, नाउ लेट अस डूइंग एन एग्जांपल. ठीक है, सो एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट आपके पास लेके रखा है जो P है वो है 1 माइनस 3 4 एंड Q है आपके पास माइनस 4 1 2. ठीक है, आपको पता है दिस इज योर x1 y1 z1 राइट, दिस इज योर x2 y2 z2. करना ही क्या है, आप पुट करना है, पुट करो, फॉर्मूला लर्न होगा तो. ठीक है, दिस इज योर अंडर रूट ऑफ दैट ही पुट कर रहे हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 माइनस 4 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 इट इज 1 माइनस y1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y1, y1 इज योर माइनस 3 तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे. ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, सो z2 इज 2 एंड माइनस z1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1, z1 इज योर 4. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. क्लियर, तो दिस इज योर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, है ना. एंड यू नो वेरी वेल कि स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अब जब आप इनको ऐड करेंगे 25, 16 एंड 4 को, सो दिस इज योर 3 अंडर रूट 5, ये बनेगा आपके पास. तो ये निकल गया आपका डिस्टेंस. ठीक है, अब यही फॉर्मूले से आप ये भी बता सकते हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं कि P, Q, R कोई पॉइंट्स हैं. ठीक है, वो पॉइंट आपने शो करने हैं कि वो कोलिनियर हैं या पॉइंट्स जो हैं आपके कोलिनियर नहीं हैं. ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब नेक्स्ट करते हैं. ठीक है,